मैं करता हूँ जॉब का भाई, क्या गलतियाँ नहीं करनी। मैं अभी तक पछताता हूँ, मुझे जब मैं यहाँ पर मैंने जॉब ढूंढनी शुरू की डिशवॉशर की, कैश पे भी और सिम पे भी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज है 16th of February और भाई अपना पहले टाइम देखो, पूरे 57 हो रहे हैं भाई। अगर मेरे को कॉलेज पूरे टाइम से पहुँचना होता है ना, 10:56 वो टाइम होता है कि मेरे को निकलना पड़ता ही है, और मैं 10:56 तैयार हुआ हूँ आज भाई। पता नहीं क्या हो रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, काम 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 भाई। ऊपर से कॉलेज के असाइनमेंट्स भाई, अभी भी 19th संडे तक 4 असाइनमेंट हुआ सिर्फ मैथ्स की होमवर्क भाई। मतलब इतना मैं कल रात 3:15 सोया हूँ, मैं कहा काम निपटा लूँ, पर भाई वो काम निपटने पर नहीं आता भाई, इतना मतलब कॉलेज का लोड है ना भाई। वो ये कि रेगुलर हो तो चल हो जाता है, मैं भी रेगुलर हूँ, हो तो जाएगा, संडे तक कर लूँगा, पर वो दिमाग में टेंशन जाती है। 4 असाइनमेंट अभी कंप्यूटर वाली की आज मिल जाएगी, मुझे पता है कंप्यूटर वाले सारे आ जाएगा असाइनमेंट होकेंगे, क्योंकि अगले हफ्ते छुट्टी है, स्प्रिंग ब्रेक शुरू हो रही है, और ये बहुत काम बढ़ा के देंगे देख लेना। चल यार क्या ही कर सकते हैं भाई, करना तो है ये काम। और भाई मैं आपको वो दिखाऊँ, ये पेट्रोल पंप था इसी कॉर्नर पे ना, मुझे वो दिखी थी, देखो अभी भी ड्रगी बैठे हुए हैं, ज़्यादा नहीं दिखा रहा मैं, चढ़ जाए मेरे पे। यही वो कॉर्नर था जहाँ पे ना मैं मुड़ा था ना, यहीं पे ड्रगी फेस हो गया था, ऐसे लेटे हुए थे ना, मतलब बुरा हाल है भाई। ये पेट्रोल पंप के आगे साइड में पीछे तो मतलब ड्रगी होते हैं, रात भी सो रहे होते हैं यहीं पर ही। चल छोड़ो भाई, ये तो सिस्टम अब तो समय भाई आदत हो जाती है, बताइए यहाँ पर ना आदत हो दिख गया, जब भी आप आओगे ना यहाँ पे आपको ड्रगी दिखेंगे, आपको एक बार तो है कहाँ आ गया, वो आदत हो जाएगी भाई। और कैसे हम इंडिया में सुनते हैं ना कि फॉरेन में तो गाड़ियों में खुद ही पेट्रोल भरना पड़ता है, भाई वो सच है, यहाँ पे लोग खुद ही पेट्रोल भरते हैं, खुद ही पेमेंट करते हैं, मतलब अंदर बस कैशियर बैठा होते हैं, तभी पेट्रोल पंप की जॉब यहाँ पे आसान होती है। अंदर बैठ के काम करना है, स्टोर में थोड़ा सा सामान वामान लगाना है, तो लोग खुद आते हैं अपनी पेमेंट, पेट्रोल खुद भर के पेमेंट करके निकल जाते हैं। लो भाई सामने बस भी आ गई भाई, मैं कॉलेज निकलता हूँ, आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, फिर कॉलेज जाके बाकी बात करते हैं सारी। तो वैसे देख ही लो मैं पूरे टाइम पे आया हूँ, अभी 12:28 हो रहे हैं, मेरी क्लास है 12:30, मैम तो आएगी होंगे, मैम आ जाते हैं हमारी जल्दी, तो इतना तो चलता है 4-5 मिनट तो। और भाई आज मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जॉब पर भाई क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, मैंने तो बहुत सारी करी है, मतलब हो सकता है अगर मैंने ना करी होती तो मेरी जॉब जल्दी लग जाती, तो आएगा क्लास लगा लूँ फिर ना मैं आपको वो सारी चीज़ें बताता हूँ, मतलब भाई जॉब बिल्कुल ना करना। A few moments later. तो ऐसे अभी ब्रेक हुई है मैथ्स की भाई, यार लिटरली मैं सो रहा था अंदर भाई, पता है क्यों, दिमाग तो लगाना नहीं कुछ, सारा तो आता है, पता हो क्या पढ़ा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ये पढ़ा है LNE = 1 भाई, ये तो पता ही है, मतलब दिमाग ही नहीं लगाना, जो दिमाग है ही नहीं क्लास में सोएगा ही बंदा। मैं ऐसे डोल रहा था, अंदर एक लड़की भी थी मेरी, ऐसे मुंडी घूमी वो सो रही थी ऐसे, चौके जब नीचे गई ना तब उठी भाई, इतना मतलब बाकियों को होएगा इंटरेस्टिंग, मेरा तो बोरिंग ही है भाई मैथ्स, एक तरह बहुत गलत उठाई है मैंने मैथ्स, MDT दे दो ज़्यादा बेटर है। और जॉब की बात कर रहा था हाँ मैं, और मैं बताता हूँ जॉब का भाई क्या गलतियाँ नहीं करनी। सबसे पहले तो जब घर ढूंढ रहे हो ना भाई, ये नहीं करना पहले मैं घर ढूंढ के फिर जॉब देखूंगा, साथ साथ जॉब भी देखनी है। मैंने बहुत ऐसी 12-15 दिन अपने वेस्ट कर दिए, पहला ये हो गया। दूसरा ये कि जो अपना रिज्यूमे है भाई वो बहुत एक प्रोफेशनल टाइप बनाना है, बच्चों वाला ना बना लेना, उसमें बहुत झंझट फंसता है रिज्यूमे में, क्योंकि जॉब यहाँ पर जल्दी मिल नहीं रही है 40 घंटे के चक्कर में। और जहाँ से भी जॉब ऑफर जाएँ ठीक है, मना नहीं करना कभी भी, जाओ वहाँ पर। मैंने अब देख लो 3 जॉब थी, 2 छोड़ दी, इतनी बड़ी गलती की है मुझे, बियर बोल भी रहा था मच्छो शेड्यूल एडजस्ट करा ले, मैं कहा नहीं छोड़ देते, अब देख लो फिर ढूंढने लगा हुआ ना जॉब भाई, कभी गलती ना करना, जहाँ जहाँ जाओ अपना शेड्यूल एडजस्ट करके करना जॉब ज़रूर। पता नहीं जब आप लोग आओगे तब तो 20 घंटे ही होंगे, तभी शुरू में 20 भी कोई नहीं रहता, मेरे को देख लो 8 मिले, अब 12 मिले इस हफ्ते, कल परसों और संडे, तो भाई अब दो आप। और ये IRCC का रूल है, आपको 20 पूरे करने हैं, चाहे 10 जॉब करो भाई, चाहे 2-2 घंटे की 10 जॉब कर लो, आपको 20 पूरे करने हैं, ये नहीं कि एक ही जॉब से पूरे करने हैं। तो भाई अपनी जॉब्स देख लो, और बहुत औखा हो रखा है यहाँ पे आजकल जॉब ढूंढना, मेरे से बहुत लोग पूछते हैं जॉब है भाई, मैं वैसे तो पॉजिटिव ही रहता हूँ, हाँ भाई है ही, अब मैं नेगेटिव क्या करूँ नहीं है, क्योंकि टाइम का पता नहीं लगता, अभी आप 2 महीने बाद आओगे क्या, समर होगी तब तो, इस वजह से मैं ना किसी का दिल नहीं तोड़ता कि भाई औखा ही हो रखा है यहाँ पे। सही है यार, मिल जाती है, बस आप अपने एफर्ट्स करते रहना, इंडीड पे भी अप्लाई ठोकते रहना, पर इंडीड के भरोसे मत रहना, वो जल्दी रिप्लाई नहीं आता वहाँ पे, तो अपने इन स्टोरी जाके देना, और रिज्यूमे बहुत अच्छा बनाना अपना, बहुत मैटर करती चीज़ें। और जॉब का जहाँ से भी ऑफर है कभी भी उसको रिजेक्ट ना करना, जाके देखो काम करके देखो, बेटर काम मिलता है, बेटर पोजीशन मिलती है, तो वहाँ पे जॉब ज्वाइन करो। और आते ही अपनी जॉब ढूंढनी है भाई, ये नहीं कि मेरा पहले घर ढूंढेगा मैं उसके आसपास देखूंगा, ये कभी नहीं होता कि घर के पास मिले, बहुत रेयर चांस होता है, ढूंढते रहो वहाँ पे, काम तो शुरू करो, जब घर के पास लग जाएगी उसको ड्रॉप करके जॉब को छोड़ के फिर अपना घर के पास कर लेना। तो ऐसे जिसकी भी असाइनमेंट सबमिट करनी थी ना, वो सबमिट करते हैं, यहाँ पे ड्रॉप बॉक्सेस लगे हुए हैं, ये 80 नंबर में डालनी है मैंने। फाइनली गाइस लैब इज ओवर, और भाई पाइथन चल रही है, मतलब ये लोग ना कोडिंग भी ना
मतलब एक एक क्लास में कोडिंग नहीं पड़ जाती है, पल्ले से बाहर हो रहा है सारा कुछ। अब ब्रेक शुरू हुई है, अभी सर से बात भी करके मिड टर्म का अगला क्या सिलेबस है भाई। यहाँ के मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मतलब मुझे इतने बढ़िया टीचर्स मिले हैं ना भाई, CPSC वगैरह सॉरी इतने बढ़िया, सर ने भर भर के नंबर दिए टेस्ट में। देखो सर ऐसे स्टेप मार्किंग में 78 आ गए, सबके काटने बैठे ना क्वेश्चन में 50 नंबर नहीं आने थे। बहुत बढ़िया टीचर है, मैथ्स वाले मैम भी ऐसी बहुत बढ़िया है, मतलब फिजिक्स वाले तो ज़्यादा ही बढ़िया है कुछ, तो इतने बढ़िया टीचर्स मिले हैं भाई। अगर ऐसे टीचर होते हैं ना आप पढ़ा करो भाई, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर अच्छी जगह आए हो तो फ़ायदा उठाओ उस चीज़ का। इतना बढ़िया कॉलेज है, इतने बढ़िया टीचर्स हैं, तो मैं फिर पूरा इंटरेक्ट करता हूँ। क्लास पार्टिसिपेशन के नंबर होते हैं, क्लास पार्टिसिपेशन अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली 0 लगा देंगे आपका। और गाइस मैं ना जॉब से रिलेटेड सबसे ज़रूरी बात आना तो भूल ही गया, मतलब ये सबसे ज़रूरी मुद्दा था भाई। यहाँ पे बच्चे आते हैं ना यार, कई बार क्या होता है जॉब ना इतनी जल्दी मिलती नहीं है, तो डिशवॉशर की मिल जाती है, क्लीनिंग की मिल जाती है जल्दी, पर वो भी आजकल अच्छी हो रखी है भाई। जब आप यहाँ पे आओ ना जॉन सी भी जॉब लगे भाई, कर लेना अपने स्टैंडर्ड ना कभी बीच में नहीं लाने। मैं अभी तक पछताता हूँ, मुझे जब मैं यहाँ पे मैंने जॉब ढूंढनी शुरू की डिशवॉशर की, कैश पे भी और सिंक पे भी दोनों पे मिल रही थी, मैं कहा मैं बर्तन थोड़ी दूंगा, छोड़ दी भाई। देख लो अगर मैंने जैन में काम किया होता 1100-1200 बन जाते मेरे आराम से, और कहा मैंने खर्चा अपनी जेब से निकाला सारा। तो स्टैंडर्ड कभी बीच में ना लाओ। और उससे भी बड़ी बात बताता हूँ मैं आपको, आज ही मुझे कॉल आया एक बच्चे का भाई, वो बोल रहा है यार जॉब लगवा दे। मैंने कहा यार डिशवॉशर वगैरह की तो लग जाएगी, तो डिशवॉशिंग कर ले भाई। उसके वर्ड्स पता क्या थे भाई, तो डिशवॉशिंग छोड़ के मेरे को क्लीनिंग में लगवा दे, कहीं लगवा दे भाई। तो ना जब भी आपको जॉब मिले ना, स्टैंडर्ड अपने कभी बीच में लाना, कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है, सारे काम एक जैसे है भाई यहाँ पे आके। और अब चल मैं स्टैंडर्ड बीच में आया था ना, मैं अपना बता देता हूँ, मैं बॉस्टन पिज्ज़ा काम करता हूँ भाई, मैं वहाँ पे कुक हूँ ठीक है, मैं पिज्ज़ा बनाता हूँ। लेकिन भाई हम ना किचन में एक टीम की तरह काम करते हैं, अगर वहाँ पे गंद पड़ा हुआ है ना, मैं गंद भी साफ़ करता हूँ, पिज़्ज़ा भी बनाता हूँ, गंद भी साफ करता हूँ, किचन में भी काम करता हूँ भाई। ऐसा नहीं कि मैं ही साफ करता हूँ, आप कहीं भी काम करोगे ना आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी। मैंने इवन टेलेस वगैरह के स्टोर्स पर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, उनको भी झाड़ू पोछा करते हुए देखा है। तो ये सब अपने स्टैंडर्ड बीच में लाना, यहाँ पे हर काम करना पड़ता है, यहाँ पे कोई अलग से क्लीनर हायर नहीं करते वो लोग कि वो क्लीन करेंगे, आपको ही करना पड़ता है आपका जो भी काम है। जैसे मैं पिज़्ज़ा भी बनाता हूँ, लेकिन किचन में कोई और काम की ज़रूरत है, कुक की ज़रूरत नहीं है, तो हम कोई और काम भी करते हैं, और मैं नहीं भाई पूरी टीम है अंदर किचन में, सब करते हैं। तो अभी स्टैंडर्ड अपने बीच में ना लाना, हर जॉब एक समान है, हर चीज़ एक समान है यहाँ पे। गाइस अभी शॉकिंगली स्नोफॉल होने लग गया भाई, मुझे नहीं पता आपको नोटिस हो रहा है कि नहीं, हो तो ऐसा रही है कि गिरते पानी बन रहा है, लेकिन हो रहा है भाई। और टेम्परेचर अभी 2 डिग्री हो चुका है वो भाई, रात तो भाई को लग रहा है सुबह तो चंद्र भी छुएगी स्नो की, काफ़ी बढ़िया। तो हाथ जम रहे हैं बुरी तरीके से, मैंने थैला पकड़ा हुआ अपने हाथ में, मैं आता था वॉलमार्ट भी गया था ना, मैंने थैला पकड़, नौखा हो रहा है यार। देखना आपको हो रहा है नोटिस, हाँ ये देखो हो रही है ना, तो भाई बड़ी हो रही है और काफ़ी हैवीली हो रही है, मतलब जैसे गिर बहुत तेज रही है, पर वो इफेक्ट नहीं, मतलब इतने मोटे फ्लेक्स नहीं गिर रहे हैं, पर गिर बहुत तेज है। रात को देखते हैं क्या बनता है। रात के 12:30 हो रहे हैं भाई, सॉरी 12 बज रही है। अब भाई मैंने मैथ्स का काम कर रहा था, आपको अभी बहुत असाइनमेंट को सब है, मतलब अभी तो संडे थी यार, पर रात थर्सडे हुआ है तो मैंने अभी सबमिट कर दी, फिर LED भी तो पढ़ना है, तो मैथ्स की 4 असाइनमेंट थी इकट्ठे सबमिट कर दी। और ये एक तो ना आपके मैं हाँ हैरान हूँ मैं एक चीज़ से, भैया आप लोगों के मन में से कितने मिथ बने हुए हैं, मिथ इन द सेंस कि कितनी गलत फहमी है कि फीस को लेके यार भाई, मतलब इसके लिए मैं एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ, मैं लंगारा का फीस स्ट्रक्चर क्या है मुझे आजकल मैं बनाता हूँ, मैं उसको अपलोड करता हूँ। अब तो समझ ही नहीं आ रहा आप लोगों की फीस जाती कैसे है। कोई नहीं भाई मैं बैठा हूँ, इंडिया में होता है ये सब, पता बताने वाला कोई होता नहीं है तो मैं पता नहीं लगता। मैं तुम्हारे लिए सबके लिए वीडियो बनाता हूँ एक लंगारा की, कैसे फीस स्ट्रक्चर यहाँ का चलता है, कितने पैसे कब कटते हैं, मैं सब बताऊँगा एक अलग सी वीडियो में। तो कल छुट्टी है ना, शायद मैं कल देखता हूँ वो शूट कर पाऊँ, मैं जल्दी जल्दी वो वीडियो आउट कर दूंगा। और भाई अब अपना सोते हैं, कल शिफ्ट भी है शाम को, और अगले हफ्ते का भी शेड्यूल आ गया भाई, 12 घंटे मिले इस हफ्ते, तो अगले हफ्ते 19 घंटे मिल गया, सेट है सारा काम। धीरे धीरे बढ़ते होते हैं, मैंने कहा ही था आपको धीरे धीरे घंटे बढ़ते होते हैं, तो यही सब सिस्टम है। अब सोते हैं भाई, काम कल देखेंगे, बाकी नींद पूरी करते हैं। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दो, नेक्स्ट व्लॉग में।